मुस्लिम का हक है हिजाब पहनना लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आप जब एजुकेशन लेते हो या आप स्कूल जाते जाते हो हो कॉलेज आप एजुकेशन लेने जाते हो ना कि आप धर्म सीखने जाते हो या सुप्रीम फिर पी आई एल पेंडिंग है एंड इसके पहले भी मैंने छह सात अनशन किए अहमदाबाद में और जयपुर में ये मेरा फर्स्ट अनशन है क्यों आपके मन में आया कि हिजाब बैन होना चाहिए क्योंकि जब एक लड़की हिजाब पहनती है तो उसके पीछे दो माइंडसेट हो सकते हैं पहला कि लड़की जबरदस्ती पहन रही या तो उसके मन से पहन रही तारीख को घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर स्कूल में ही नमाज पढ़वा दी जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही है और मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ मैं भी मुस्लिम समाज से आती हूँ लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है की कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब को लेकर सड़कों पर संग्राम देखने को मिला अब राजस्थान में भी हिजाब पर पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी है कुछ दिन पहले थाने का घेराव करके मुस्लिम समाज ने जाहिर कर दिया कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए लेकिन एक गुजरात की मुस्लिम लड़की है तंजिम मेहरानी जो कि जयपुर पहुंची है और हिजाब पर पाबंदी लगाने की मांग करने को लेकर अनशन पर बैठी है तंजिम हमारे साथ मौजूद है तंजिम पिता के साथ अनशन पर बैठे हो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमारा हक है हिजाब और आप इस हक को तोड़ने के लिए बैठे हो मुस्लिम का हक है हिजाब पहनना लेकिन वो एजुकेशनल के अंदर नहीं आप जब एजुकेशन लेते हो या आप आप स्कूल जाते 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 हो जाते हो वहाँ आप जाते हो कॉलेज एजुकेशन लेने ना कि आप धर्म सीखने जाते हो या ना ही आप धर्म का प्रचार करने जाते हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हर एक बच्चा सेम होना चाहिए उसका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए और वही यूनिफॉर्म उसे फॉलो करना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता कि जब स्कूल्स में वो जहाँ पर ये पूरा सत्रह तारीख को घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर स्कूल में ही नमाज पढ़वा दी जाती है बिल्कुल तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हो रही है और मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ मैं भी मुस्लिम समाज से आती हूँ लेकिन इसका म... कॉन्स्टिट्यूशन राइट right देता है कि आप अपना रिलीजन फॉलो करें लेकिन एक प्रोटोकॉल भी होता है आपका रिलीजन फॉलो करने का अगर आप स्कूल में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत गलत इम्पैक्ट देती है एक बच्चे के दिमाग में और वहीं से एक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच जो हमें निकालना होगा बच्चों के दिमाग में से और वो जो थिंक प्रोसेस है जो आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं करती वो चीज़ें भी हमें उनके दिमाग में से निकालनी होगी इसलिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे गुजरात से राजस्थान आकर वो भी आप मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनका विधानसभा सत्र है यहाँ पर आकर धरना देने का uh, 27 जनवरी को राजस्थान में घटना हुई थी हिजाब के मामले में एंड uh, फिर मेरी प्रकाश शर्मा सर से बात हुई और फिर उसके बाद हमने पूरा प्लॉट किया प्लान और फिर हम यहाँ के मेरा अंशल फर्स्ट डेट से ही चालू है आज मेरा तीसरा दिन है और ये राजस्थान मैंने फर्स्ट इसलिए मतलब किया है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे घटना हुई है लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद मैं हमारे देश के हर एक स्टेट में जाकर ये मूवमेंट चलाऊंगी जब तक पूरे देश में ये सारी चीजें लागू नहीं होती तिरंगा गर्ल्स कहा जाता है लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद आप सुर्खियों में आई और अब हिजाब को बैन करने की मांग को लेकर जी आ, बिल्कुल आ,

उसके पीछे दो माइंडसेट हो सकते हैं पहला कि लड़की जबरदस्ती पहन रही या तो उसके मन से पहन रही लेकिन अगर आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं आप भी कोई रिलीजन से माइंड मतलब बिलोंग करते हैं लेकिन आप वो अपने घर तक सीमित रखते हैं आप यहाँ पे आके अगर आप मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ आप हिंदू हो वॉट्स एवर लेकिन जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारी घटनाक्रम होती है तो वो गलत चीज़ है एंड मैंने स्पेसिफ़िक ये चीज़ इसलिए चुनी है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए क्योंकि अब देश बदल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार सारी स्कीम्स बाहर निकाल रही है वुमेन्स को इनक्रेज कर रही है तो मुस्लिम वुमेन्स को भी उतना ही राइट right है जितना हिंदू वुमेन्स को है लेकिन मुस्लिम वुमेन्स के पास एजुकेशन नहीं है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन मुस्लिम्स गर्ल्स लड़कियाँ महिलाएं कहती है कि हमें फक्र है हिजाब पर फक्र है हिजाब पर लेकिन अगर वो पहनती है तो वो अपने धर्म के लिए पहनती है या अपने घर वालों के कहने पे पहनती है या अपनी मर्जी से पहनती है लेकिन उसे स्कूल में पहनने की क्या जरूरत है अगर वो वहाँ पढ़ने जाती है वहाँ पे एक यूनिफॉर्म होता है हम यूनिफॉर्म भी इसलिए रखते हैं कि कोई गरीब बच्चा भी आ रहा है या अमीर बच्चा आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन ना दिखे सबके यूनिफॉर्म सेम हो सब आपने जो पी एल दाखिल कर रखी है वो सिर्फ स्कूल को लेकर ही है ना कि स्कूल में हिजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर चारे, हिजाब बैन होना हाँ कहीं भी हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कभी आप पर भी परिवार वालों ने कहा कि हिजाब पहनो नहीं बिल्कुल नहीं मुझे हमेशा से मेरे, मेरे घर में और स्पेसिफिकली मेरे एनवायरनमेंट में ये चीज कभी नहीं गई हम लोग पूरे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से चलते हैं आपके पिताजी हमारे साथ मौजूद है आपका क्या नाम है अमीर अमीर मेहरानी जी आप बताइए कि कभी आपके समाज के लोगों ने आप पर दबाव बनाया कि आप ये कदम क्यों उठा रहे हो हिजाब पर पाबंदी क्यों आप मांग कर रहे हो नहीं वो तो लाल चौक के टाइम से दबाव होता था लेकिन वो भी वो लोग समझ गए क्योंकि हम कुछ कोई भी दबाव में आने वाले हम नहीं हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो देश चलना चाहिए जहाँ हमें गलत लगता है वहाँ हम बोलते हैं। हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो भी हम दबने वाले नहीं कई धमकियाँ और मिलती होगी हाँ बहुत सारी मिली है बहुत सारी मिली है तंजीम के ऊपर फतवे भी है लेकिन डरने से तो काम नहीं होगा आपकी ये बेड़ी बेटी कहीं ना कहीं एक मूवमेंट खड़ा कर रही है मुस्लिम समाज की महिलाओं को अधिकार के तौर पर लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाएं बोल रही हैं कि हमें ये अधिकार नहीं चाहिए ये हमारा संस्कृति कह दो कुछ भी कह दो हमारा अधिकार है देखो अब उसमें तो ऐसी बात हुई को, कोई मुस्लिम लड़की कल डीएम बन जाएगी कलेक्टर बन जाएगी तो वो कुर्सी पे हिजाब पहन के बैठेगी फिर जज बन जाएगी तो भी वहाँ हिजाब पहन के बैठेगी ऐसा थोड़ी ना चलेगा आप जो भी आपका धर्म है वो आप आपके घर तक रखिए आपके माहौल जहाँ है आपका वहां तक रखिए बाकी जो दूसरी जगह है जहाँ संविधान लागू हो रहा है जहाँ दूसरे लोग आ रहे हैं वहाँ तो इसको छोड़ना पड़ेगा ये गलत बात है और बिल्कुल पहले लाल चौक के टाइम भी हुए थे और अभी भी होते हैं और इसके बाद भी होंगे हिजाब को लेकर विरोध करते हो आप तो कहीं ना कहीं धमकिया मिलती है समाज के लोगों की ओर से हाँ धमकिया मिलती है लेकिन अब डर बिल्कुल पहले भी नहीं लगता था अब भी नहीं लगता है क्या राजस्थान में आए हो मुख्यमंत्री के यहाँ पर आप विधानसभा में बैठे हो सीम से मुलाकात करोगे मेरी ये तीन मांगे हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूसीसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए ये तीन मांगे जब तक मेरी सरकार स्वीकार नहीं करती मेरा अनशन जा, जारी रहेगा लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं भजनलाल जी का नेचर जानती हूँ कि वो जनता से कनेक्टेड है तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो मेरी मांगे स्वीकार करेंगे और उस पर लुक ऑन करेंगे तंजीब मेहरानी अपने पिता के साथ धरने पर बैठी है और हिजाब पर बैन लगाने की मांग कर रही है गौर करने वाली बात यह कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़की मुस्लिम समाज की महिलाओं के हकों के लिए लड़ रही है लेकिन फतवे उन्हीं पर जारी होते हैं उन्हीं धमकियां मिलती हैं पीएल दाखिल उन्होंने कर रखी है लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राजस्थान में सत्ताईस तारीख को जो संग्राम हुआ उसके बाद खूब राजनीति हुई और तब अंदर खाने चर्चा शुरू हुई कि कहीं ना कहीं हिजाब पर पाबंदी राजस्थान में लग सकती है हालांकि शिक्षा मंत्री ने स्कूल को लेकर कह दिया कि, कि किसी तरह का जो ड्रेस कोड पहले से जो लागू है ड्रेस कोड बरकरार रहेगा दूसरी ड्रेस है वो स्वीकार नहीं की जाएगी और यही विरोध बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से भाजपा के विधायक ने जताया कि एक स्कूल में दो ड्रेस क्यों कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा जयपुर राजस्थान तक